तो दोस्तों आपने ये वीडियो सुना, तो ये वीडियो सपना चौधरी जो कि यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया, इन्होंने बनाकर डाला है अभी कुछ ही दिन पहले डाला है। और इनकी काफ़ी वीडियो मतलब सोशल मीडिया पर ये काफ़ी चर्चा में चल रही हैं और ये अपना दुख बताती हैं, क्या हुआ कैसे हुआ पूरी खबर हम आपको बताते हैं कि कौन है सपना चौधरी। इनके दो चैनल हैं, स्नैपी गर्ल्स और द रोड के नाम से, काफ़ी लोग जानते होंगे काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, इन्होंने ये शिवपुर की रहने वाली हैं सपना जी, और इन्होंने अपना चैनल बनाया था 2018 में, और 2017 में या 18 में इनकी शादी हुई थी सूरज जी के साथ में, तो काफ़ी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर अभी 3 साल हो गए हैं, 3 साल बाद ये बता रही हैं कि फैमिली में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, पर मैं सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं घर में अपने परिवार में मैं वो सोशल मीडिया पे सामने लेकर आऊं, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। पर आज जब सब कुछ ख़त्म हो गया है तो मुझे सब सच बोलना पड़ेगा और सबका सच सामने लेके आना पड़ेगा। पूरी खबर क्या है आप आगे देखते रहिए। तो सूरज जी के इनके साथ शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक चलता है, पर सडनली कोरोना के समय में सूरज जी ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में इनके की चर्चा चलती है कि क्या है भाई, एक छोटी बेटी है कहाँ लेकर जाएगी। तो इनके देवर के साथ में जिनका नाम राजवीर जी है, तो सपना की शादी राजवीर के साथ हो जाती है, उसके साथ करा दी जाती है। तो सपना रीज़न ये बताती हैं कि मेरी शादी जानबूझकर कराई गई उनके साथ में, इसलिए कराई गई कि जो इनके राज थे, जो इनका घर में जो कुछ चलता था मतलब मारना पीटना जो भी कुछ चलता था, तो उन्होंने सोचा कि ये बाहर ना बताएं, हमारे घर के जो राज है बाहर ना खुलें, इस वजह से मेरी शादी सूरज जी के साथ सॉरी राजवीर जी के साथ करा दी गई। फिर वो आगे बताती हैं कि सब कुछ ठीक चलता है और राजवीर जी मुझे बहुत खुश रखते थे, मतलब सूरज जी से ज़्यादा उन्होंने मुझे खुश रखा, और मैंने तब जाना कि हाँ मतलब सच्चा प्यार क्या होता है। तो वो बताती हैं कि सूरज जी ने तो शायद किया नहीं, क्या मुझे नहीं पता, मैंने तो किया था और मैंने इनके साथ भी निभाया है रिश्ता और प्यार भी किया है। तो उन्होंने मुझे खूब खुशी दी, खूब प्यार दिया, और ये वो जानते थे कि मम्मी पापा का व्यवहार कैसा है मेरे प्रति, अच्छा नहीं है, फिर भी वो मतलब फिर भी वो जानते थे और मुझे खुश रखते थे, वो कोशिश करते थे मुझे कोई दुख ना हो, तो इसीलिए मैं सब चीज़ों को इग्नोर करती रही। पर आज ये हुआ है कि इनकी सूरज के साथ की एक बेटी है और सूरज जी से एक बेटी है और राजवीर जी के साथ में एक बेटी है, तो इनकी दो बेटियाँ हैं। पर अब इनके सास ससुर इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, जहाँ तक कि ये मानने को तैयार नहीं है कि अब कि हमारी बहू है। वो यहाँ तक बताती हैं कि मेरे पापा तो यहाँ तक बोल रहे हैं पता नहीं दो लड़कियाँ हैं और अभी ज़्यादा उम्र ही क्या है, पता नहीं किसी और के साथ चली जाएगी। तो सपना जी बोलती हैं कि मेरे इन्होंने मतलब मेरे बिहेवियर पर मतलब मेरे व्यवहार पर तक कैरेक्टर पर उंगली उठा दी है और अब मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, इन्होंने मुझे सूरज जी से बहुत पिटवाया, बहुत मार खिलवाई है और मैं कुछ नहीं बोलती थी, मतलब ये लोगों का ऐसा था कि एक दिन मारेंगे और दूसरे दिन ठीक रहेंगे, फिर तीसरे दिन मारेंगे और फिर तीसरे दिन चौथे दिन ठीक हो जाएंगे, कि सब कुछ ठीक है, खूब प्यार से रहते थे। तो मैंने भी सोचा चलो सब मेरा मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, छोटी छोटी बातें नहीं है, तो इसलिए मैं सब कुछ सहती रही। पर आज उसको घर से बाहर निकाल दिया गया है, उसको कुछ भी ज्वेलरी नहीं दी गई है जो सूरज जी ने दी थी या राजवीर ने दी थी, सूरज ने दी थी, कुछ भी नहीं दिया गया है उसे। अब वो बहुत परेशान है और वो खूब रोती है, पर जब रोने के बाद वो बता रही है कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी है और हर एक महिला को यही सलाह दे रही है कि भाई अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप इसके खिलाफ एक्शन उठाइए, चाहे सिंगल रहिए अकेले रहिए, कोई दुख नहीं कोई दर्द नहीं है, पर ऐसे परिवार के साथ मत रहिए जो आपको दिन रात
दिन रात प्रताड़ित करते हैं, अत्याचार करते हैं, आपके ऊपर जुल्म करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, ऐसे फैमिली में मत रहिए, उससे बाहर निकलिए और उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, हिम्मत करिए। आप सब कर सकती हैं। जब एक महिला अगर अपने पर आ जाए तो सब कुछ कर सकती है। आप ये मत सोचिए कि हमसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप सब कुछ कर सकती हैं। अब उसका सब कुछ ख़त्म हो गया है, उसने वो बोल उसके सास कहते ही है, सपना जी के सास ये कहती है कि इसने मेरे दोनों लड़कों को मार दिया। तो वो बोल रही है मैं क्या करूँ, इसमें मेरी किस्मत थी, मैंने तो नहीं मारा किसी को। तो आपके दो लड़के गए हैं तो मेरा भी तो कुछ गया है भाई, मेरे भी तो दो लड़कियाँ हैं छोटी छोटी, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो बोल रही है मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, और अब ये जो सीता और राम जैसे रोल करके बैठे हुए हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो अब मैं इनकी एक एक पोल पट्टी खोलने वाली हूँ। और उसके पास सारी रिकॉर्डिंग्स है, सपना के पास सारी रिकॉर्डिंग्स है, सारे वीडियोज़ हैं जो इन्होंने इनके ऊपर, जो इनके सास ससुर ने इनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया है। तो गाइस कुल मिला के यहाँ पर वो खुद ये बताना चाह रही है कि भाई ऐसा कुछ भी सहन मत करो, आप एक्शन लो। तो हमारा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि जितने भी शादीशुदा महिलाएं हैं, अगर आपके घर में ऐसे ही कुछ हो रहा है तो आप उठिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। मतलब घर में रो के मत रह जाइए कि बस हमें रोना ही है, हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं और फिर बढ़ते बढ़ते बिल्कुल किस हद तक जाएंगी ये लोग कोई भी नहीं जान सकता, ना हम जान सकते हैं ना आप जान सकते हैं। तो आज सपना बता रही है मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, पर मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है, उनका फ्यूचर बनाना है, उनके लिए सब कुछ करना है और मैं करूँगी। तो वो तैयार है ये सब करने के लिए, और वो जो उसकी YouTube फैमिली है उनसे सपोर्ट मांगना चाहती है कि भाई मुझे आपका साथ चाहिए, कि आप ही मेरी फैमिली हो, आप सब कुछ हो आप। तो सपना जी हम आपके साथ में हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपके साथ नहीं, हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइस कुल मिला के वीडियो बनाने का ये मतलब है यहाँ पर कि आपको, मतलब ऐसी एक फैमिली नहीं है, दुनिया में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, तो उनको आगे आना है और अपना फ्यूचर खुद बनाना है। और ऐसी कोई सी भी घटना आपके साथ में होती है, जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो उसके खिलाफ उठिए, आवाज़ उठाइए। तो कुल मिला के बस यही कहना चाहेंगी कि भैया करना है तो, अगर ऐसा कुछ है तो आपको करना ही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और सपना जी को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।